बात कुछ करीब 50-55 साल पुरानी है। मेरा छोटा भाई महात्मा यूनिवर्सिटी रीवा में बीएससी कर रहा था, तो दशहरे की छुट्टियां उस समय करीब महीने 25 दिन की छुट्टियां होती थी, तो वो उस पर घर आ रहा था गांव। तो घर पहुंचे, रात 9 बजे ट्रेन पहुंचती थी। तो घर पहुंचने के बाद फादर ने पूछा, क्या हुआ टैक्सी तुम खाली हो आए हो, कुछ सामान वाना नहीं है? बोले वो मूशाहार में टैक्सी कोई पार कर गया। तो रात हो गई थी, खाना वाना बना, खाना वाना खाया, सो गया, सुबह उठ गया, ब्रेकफास्ट वास्ट कर। हमारे फादर की थोड़ी आदत थी बिल्कुल माइन्यूट डिटेल में कोई चीज़ सुनने की और बताने की भी। तो बोले हाँ रघु, अब जरा बताओ कल कैसे तुम्हारे यहाँ टैक्सी गायब हो गई? क्या डिटेल, क्या टैक्सी गायब हो गई? गई तो गई। उन्होंने कैसे क्या हुआ, कैसे सब पूरे डिटेल बताना हुआ। तो उसने कहा कि वो क्या हुआ कि इलाहाबाद में 4 बजे गार्ड साहब ने सीटी बजाई और झंडी दिखाई, और उसके बाद गाड़ी वहां से चली धक 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 समझ गए चले वहां से मूशाहार पहुंच गए। कहा अभी हम मूशाहार कहाँ पहुंच गए, अभी तो फाफा मऊ नहीं पहुंचे हैं और मूशाहार तो बहुत दूर है। समझ गया क्या हुआ, गुस्सा आ गया। हमारा छोटा भाई चुप हो गया।